हेलो गाइस, ये टाटा टियागो गाड़ी है, एग्जॉस्ट प्लस वेरिएंट है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका अगर हम टाइम अगर हम सेट कर देते हैं तब ये टाइम सही से वर्क नहीं होता है। जैसे मैं चाबी निकाल के चला गया आधा घंटे बाद स्टार्ट करता हूँ तो 10-15 मिनट ये ज़्यादा बताता है और कभी कभी ये लेट बताता है। तो मैंने इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम से सेटिंग से जाके अगर हम टाइम सेट कर दिया है उसके बाद तो सही बताता है, और फिर जैसे एक घंटा आधा घंटा खड़ी कर देता हूँ तो 15-20 मिनट ज्यादा बताने लगता है, एक एक घंटा। तो ये देख सकते हैं अभी बज रहा है 3:04 हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8:09 हो रहा है, तो कितना डिफरेंट होता है। और इस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि इसका क्लस्टर मीटर को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद ये सही से वर्क होने लगता है। तो अपडेट कैसे करते हैं, तो ये रहा इसका डायग्नोस्टिक टूल को मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये लैपटॉप लगा हुआ है तो इसको आईपीसी को अपडेट करते हैं। आईपीसी का मतलब फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर को अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने का प्रोसेस ये रहता है कि वो सिर्फ डीलरशिप में हो सकता है और कहीं पे नहीं होता है, तो मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो ये अपडेट कर रहा हूँ मैं और ये अपडेट का ऑप्शन स्टार्ट हो गया है, अब उसके बाद देखता हूँ। तो ये टाइमिंग से लेके बहुत प्रॉब्लम आती थी, काफी कस्टमर ने बोला कि मेरा टाइम सही से वर्क बताता नहीं है, अगर मैं चाबी निकाल देता हूँ उसके बाद भी सही से वर्क नहीं होता है, 10-15 मिनट ये लेट ही बताता है। तो आज हम करने वाले हैं इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर मीटर अपडेट। ये अपडेट हो रहा है, इसकी पूरी लाइटें बंद हो गई हैं और अपडेट का ऑप्शन ये चल रहा है। तो जब अपडेट ये हो जाएगा तो सेटिंग को फिर से हम सही से करेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइमिंग की और इसका माइलेज भी जो सही से वर्क नहीं होता माइलेज भी सही से वर्क होने लगेगा और सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर अपडेट हो जाएगा। 21,500 खराब हो गया था हमने, तो ये क्लस्टर मीटर अपडेट हो गया है आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से प्रोसेस ओके मांगता है, फ्लैशिंग सक्सेसफुल प्लीज गिविंग इनिशियन ऑफ एंड क्लिक। तो चाबी ऑफ करने के लिए बोल रहा है, मैंने चाबी ऑफ कर दिया, उसके बाद ही चलेगा। 30 सेकंड का ये वो होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो टाइमिंग की थी ये सही हो जाएगी इसकी, और ये माइलेज जो सही से नहीं वर्क करता था वो भी सही हो जाएगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर एकदम अपडेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने चाबी ऑन कर दिया है और उसके बाद अब मैं यहां से इसको ओके कर दूंगा और मैं टाइमिंग सेटिंग करता हूं। अब ये दोबारा नहीं होगा सही से, तो 3:00 हो रहा है, 14 मिनट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। चौदह कर दिया है और पीएम तो सही है सेट, तो यहां से मैंने ओके कर दिया, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं 3:14 हो गया है पीएम। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी एकदम ओके हो गई है।